देश के कई हिस्सों में गौरक्षा के नाम पर जारी हिंसा के बीच इन दिनों पूरे देश में गौरक्षा के नाम पर हंगामा मचा है। राजस्थान के अलवर में एक मुस्लिम को गौरक्षकों ने पीट पीट कर मार डाला। दरअसल ये आरोपी पिकअप वैन में गाय की तस्करी कर रहे थे, जिसकी खबर इलाके के गौरक्षकों को मिल गई और उन्होंने आरोपियों की पिटाई कर दी। तुम माता सर्व तीर्थानाम, तुम च यज्ञस्य कारणम, तुम तीर्थ सर्व तीर्थानाम, नमस्तस्तु सदानगे। हमारे ग्रंथों में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि गौ माता देवी देवताओं का उसमें वास, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है गौ माता से ही सारे यज्ञ के कारण पूरे होते हैं। जी, मेरा नाम राम राव यादव है, उम्र मेरी 37 साल है, बोरीवली में मेरे पिताजी का किराने का दुकान है और मैं भी कभी कभी जाता हूँ, हमेशा नहीं जाता हूँ क्योंकि मैं खुद कार्य करता हूँ, तो मुझे और भी बहुत सारे काम रहते हैं। मैं पूरी तरह से पूर्णतः गौ रक्षक हूँ और मुझे इस बात का गर्व है। सुबह उठ के पूजा पाठ करने के बाद सबसे पहले मैं फिर घूमता हूँ, मैं फिर अपनी बाइक निकालता हूँ और घूमता हूँ, फिर रास्ते में जो गाय मिल गई गौ माता को एक रोटी जरूर खिलाता हूँ। पॉल्यूशन या कचरा खाने से या प्लास्टिक खाने से गायों की मौत हो रही है और इसके लिए हमें भी बहुत दुख होता है, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि जो ये ऐसी गायें जो कहीं भी रह नहीं रही हैं, तो उनको हम ले जाकर अपने गौशाला में रखते हैं, उनका पूरा ख्याल रखते हैं। 5000 तो एक ही गौशाला में 5000 मतलब गायें हैं हमारे पास, एक सिर्फ एक गौशाला में, और ऐसी तो कई गौशाला है हमारे। हमारे कार्यकर्ता हैं जो लोग पूरे ध्येय से पूरे मन लगाकर काम कर रहे हैं, हमारी पूरी एक टीम है जो डॉक्टरों की टीम है जो इन गायों की रक्षा करती है, गायों का देखभाल करती है। ये तो खुद लोगों को समझना चाहिए कि गाय हमारी माता है। कृष्ण भगवान की फोटो देखी है? कृष्ण भगवान की फोटो अक्सर एक गाय के साथ होती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान भी गाय को माता मानते हैं। देखिए, अब तो मुझे शायद 5-6 साल हो गए ये सब कुछ करते हुए, और जब मुझे लगा कि ये अच्छा काम है और इससे हमारी धर्म की भी रक्षा हो रही है और गायों की भी रक्षा हो रही है, तब से मैं इस काम में जुड़ा हुआ हूं। देखिए, हमें पता लगाएंगे कोई जरूरत नहीं है, लोग हैं हमारे जो लोग हमें बताते हैं। हमें फोन आता है कि भैया किसी ट्रक में यदि गायों की तस्करी हो रही है या किसी गलत तरीके से गायों को लेके कहीं जाया जा रहा है, तो हमारे लोग फैले हुए हैं, उनको पकड़ते हैं और फिर हम पुलिस को बताते हैं, फिर पुलिस जाके अपना कार्य करती है। हमारी यही मांग है कि गायों की रक्षा के लिए एक एक जैसा कानून होना चाहिए। कश्मीर में 10 साल की सजा है, लेकिन शायद महाराष्ट्र में वैसा नहीं है या मध्य प्रदेश में वैसा नहीं है, तो पूरे भारत में एक जैसा कानून होना चाहिए। और हमारी तो यह भी मांग है कि यदि गायों की कहीं तस्करी पकड़ी जाती है तो उनको देश से निकाला जाए। सीमेंट के अलावा कुछ भी निकला तो छोड़ेंगे नहीं, बता देते एक आदमी को। मैं आपको एक वीडियो है जिसमें कुछ गौ रक्षक मिलकर मुसलमानों को मार रहे हैं। देखिए, अब मुझे पता तो है नहीं कि आप ये आपने वीडियो कहाँ से निकाला है, क्या निकाला है, तो है यूट्यूब पे तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है ये ऐसा,
इसमें मेरा कुछ कहना नहीं कि आप जो कह रहे हैं कि भैया मुसलमान लोगों को हमने टारगेट करके ऐसा कुछ किया है, मारा है, पीटा है, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। ये वो लोग हैं जो लोग गायों के साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं। अच्छा, मुझे आप एक बात, आप मुझसे इतना सवाल कर रहे हैं, आप मुझे एक बात बताइए, यदि आपके माता के साथ, आपकी माँ के साथ कोई दुर्व्यवहार करे, कोई गलत व्यवहार करे, तो आपका खून नहीं खोलेगा? जिस तरह का व्यवहार गाय माता के साथ होता है, उसे देखकर किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि कोई जान बुझ के कानून लेता है हाथ में, ऐसा कुछ थोड़ी कह रहे हैं कि भाई आप होर्डिंग लगाई, जैसे सेव द टाइगर की होर्डिंग लगा रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि एक सा कानून हो, गौ माता की रक्षा हो, उनका अच्छी जगह पालन पोषण हो, हमारी इतनी छोटी सी मांग है। गौ माता की करुण पुकार, मैं माँ बन दूध पिलाती, तुम माँ का मांस बिकाते, क्यों जननी के चमड़े से तुम पैसा आज कमाते, मेरे बछड़े अन्न उपजाते, तुम सब उन पर दया न लाते। ये कहने की बात हमारी सिर्फ इतनी है कि पैसे के लालच में लोग गाय से अपना रिश्ता भूल गए। देखिए, जो लोग देख रहे हैं उनसे तो मेरा हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि गायों की रक्षा करें, गायों की देखभाल करें, पशुओं के साथ इंसानों को भी उतनी ही इज्जत दें जितनी पशुओं को देते हैं।